साथियों, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में है। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार है। और जिस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुए, एक अलग ही मापदंड राजनीति के स्थापित करने का काम किया। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देकर के युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो नौकरी केवल और केवल या तो पैसे में मिलती थी और या फिर पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। उन चीजों को दूर करके और हरियाणा एक का नारा देकर के कि जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, वो अपने शिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बढ़ा सकता है। और पिछले इन 10 सालों के अंदर जितने भी बच्चे नौकरी लगे, वो यूं नहीं कह सकता कि मैं पैसे दे करके लगा या कोई किसी का एहसान नहीं है कि फला आदमी ने कोई नौकरी लगा दिया। हम ये कहते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट था, इसने नौकरी ली है, इसको दी नहीं, इसने अपने इंटेलिजेंट है शिक्षा के दम पे अपनी नौकरी ली है। इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर समान विकास कराने का काम किया, जहां पूरे देश के अंदर जो बीपीएल की आय सीमा है वो 1,20,000 रुपए है। 1,20,000 दिन की होती है, उसका आयुष्मान कार्ड बढ़ता है और बीपीएल की सुविधाएं दी जाती है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया अपने खजाने से पैसे लेकर के उस आय सीमा को 1,80,000 करने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि गांव के अंदर 70-75% लोगों के आज बीपीएल कार्ड है, जिसका उनको लाभ मिल रहा है। 5,00,000 रुपए तक का फ्री इलाज किया जाता है, चिरायु हरियाणा कार्ड दिया गया है। परमात्मा ना करे किसी के कोई हरी बीमारी हो जाए तो पहले बड़ी दिक्कत परेशानी होती थी, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जा भी नहीं सकता था। आज 5,00,000 रुपए तक का इलाज की उसको कोई चिंता नहीं है, हरियाणा सरकार को चिंता है। इसी तरीके से चाहे और जो सुविधाएं देने की बात है, वो सुविधाएं देने का काम किया। और आदरणीय, जब से नायब सैनी जी इस प्रदेश की जो बागडोर संभालने का काम किया है, उनको बहुत कम समय मिला है, केवल उनको काम करने के 2 महीने मिले, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री बनाते ही आचार संहिता लग गई थी और अब फिर 16 तारीख से आचार संहिता लगी 16 अगस्त से, इसलिए उनको केवल 2 महीने मिले। और उन 2 महीनों के अंदर उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला करने का काम किया वो आप लोगों के सामने है, जिसका लाभ आज धरातल तक जा रहा है। जहां इस बार बारिश लेट हुई, क्योंकि नायब सैनी जी खुद एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, उनको सारी दिक्कत परेशानियों का पता है, इसलिए उन्होंने तुरंत मीटिंग बुला करके ये फैसला किया, क्योंकि लेट बारिश के कारण किसानों को खर्चा फसल का जो बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने उसी टाइम कहा कि हम 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अलग से देने का काम करेंगे, किसान की भरपाई करने का काम करेंगे। और इसी तरीके से किसान जितनी भी फसल बोएगा वो सारी की सारी एमएसपी पे खरीदने का काम करेंगे। हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जो सारी की सारी फसलें जो एमएसपी पे खरीद करने का काम करता है। हमारे पड़ोस में से पंजाब है, राजस्थान है, दूसरे स्टेट है, कोई भी नहीं खरीदता, केवल गेहूं और जीरी खरीदते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सारी की सारी फसल खरीदने का काम जो है वो करते हैं। और अब तो लोग आकर के कहने लगे कि भाई ये तो लेट आया, थोड़ा सा और साहब नेपे ले आ जाए तो और बढ़िया हो जाए। यही क्या सारे आप लोगों के हाथ में है, 5 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा दियो, 6 महीने को नहीं 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। साथियों, सारी चीजें लंबी, अगर सारी बात करूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। चैत के आनंद के जो कर्मचारी थे उनको जॉब सिक्योरिटी देने की बात, जब उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोग हैं, 12-13 हजार रूपये डीसी रेट था, 3-4 हजार रूपये बिचौला खा जाया करता, 8-9 हजार रूपये उनको बेचारों को मिला करते। उसका डायरेक्ट बैंक खाता खुलवाने का काम किया,
उसके खाते में जा रहे हैं और उसको जॉब की सिक्योरिटी दी है कि 58 साल तक उनको कोई हटाएगा नहीं, वो लगे रहेंगे और उनकी हर साल वेतन में भी वृद्धि होगी। और इसी तरीके से खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, कांग्रेस के राज में जो एससी के बीसी के जो लोग थे उनके साथ तो और भी ज्यादा अन्याय हुआ, क्योंकि जब भी कोई नौकरियां निकलती थी तो मान लो 50 वैकेंसी कोई एससी की बीसी की है तो 20-25 लेकर के एक पत्र लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पत्र लिखकर छोड़ जाते हैं, बैकलॉग छोड़ देते थे। उसकी भरपाई करने का भी घोषणा माननीय नायब सैनी जी ने की है कि हम उस बैकलॉग को भी पूरा करने का काम करेंगे, बहुत बड़ी घोषणा नायब सैनी जी ने की है। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने है, इसलिए मैं विशेष तौर से जाने प्रेमनगर निवासियों से गुजारिश और विनती करूंगा कि आने वाले चुनाव के अंदर आप अपना एक एक कीमती वोट चमन के फूल के हिसाब पे डाल करके भारी मतों से हासिल करने का काम करें, ताकि जिस तरीके से नायब सैनी जी ने एक जो शुरुआत की तेज गति से उस विकास की गति को और तेज जो है वो बढ़ाया जा सके। ये कहने के लिए आज आपके बीच में आए थे, आपने यहाँ गांव में आने पर जो फुलवाड़ों से स्वागत किया उसके लिए मैं तमाम ग्राम पंचायत का, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।